तो भाई लोग पुष्पा बाबू आ चुके हैं, भाई या बहन बहुत कंफ्यूजन है बाबा, क्योंकि टीजर ड्रॉप आउट हो चुका है पुष्पा 2 द रूल, जिसके लिए वेट था इतने लंबे समय से। एक साल पहले जब इसका ग्लिम्स आया था और इसका जब पोस्टर निकाला गया था, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई टीजर आए और हमें बहुत कुछ पता चले कि मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है। लेकिन मेकर्स जो है बहुत ही शातिरता के साथ, बहुत ही दिमाग के साथ चल रहे हैं। जो हाइप उन्होंने सेट करी है भाई, ऐसी हाइप बिल्कुल भी नहीं देखी होगी कभी भी किसी ने। फुल मजा ले रहे हैं, फुल फायदा उठा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं निकाला है एक मूवी का। कुछ मतलब टीजर देख के कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि होने क्या वाला है। उल्टा अल्लू अर्जुन का एक ऐसा साइकोपैथ कैरेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी के समझ में भी नहीं आएगा। एंड पुष्पा फर्स्ट पार्ट में भी वो चीज़ थी कि भाई वो समझ में नहीं आएगा। आई डोंट नो, ये औरत साड़ी पहनाने का सिस्टम हाथ में त्रिशूल, थोड़ा सा काली का अवतार या दुर्गा अवतार में देखने को मिल रहे हैं अपने पुष्पा भाई। हु नोज, ये किन्नर समाज को थोड़ा सा बढ़ावा देने वाली बात भी हो सकती है, या फिर एक ऐसी चीज जो पुष्पा फर्स्ट पार्ट में हुआ था, लेकिन इस बार जो है कि भाई साहब इनर जो फीलिंग्स थी, क्योंकि पुलिस वाला जो बंदा पीछे पड़ा है अपने पुष्पा भाव के, उसने बहुत हद तक उसको अंदर से तोड़ भी दिया है, तो कुछ अलग अंदाज में देखने को मिल रहा है। बस अब टीजर प्रॉमिसिंग है, दमदार है, खतरनाक तो मिलने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है। बहुत जगह ये कोशिश करी जाती है, मतलब अभी तक हमने देखा था कि टीजर में बहुत कुछ मतलब कंटेंट से रिलेटेड दिखाते हैं, दैट्स वहां से प्रॉमिसेस देते हैं, मतलब उन मोमेंट्स के जरिए हाइप बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई इसे बनी बनाई हाइप मिली है, क्योंकि लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, और टीजर का मतलब भी होना यही चाहिए था भाई साहब। बहुत कुछ रिवील आउट नहीं किया, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कहानी क्या होने वाली है। हाँ ये पता है कि भाई साहब जो किंगडम इसने तैयार करा है, इसे रूल करने में इसे दिक्कत तो आने वाली है जबरदस्त, और लेकिन उसके लिए पुष्पा भाऊ अपने बिल्कुल तैयार देखने को मिल रहे हैं। हाथ में त्रिशूल, पाँव में वो घुंघरू पहनने वाला, एंड वो साड़ी, एंड अलग ही अंदाज यार, इसे ऐसे ही आइकन स्टार नहीं बोलते हैं, मतलब जम रहा है, बिल्कुल हिट करके गया है। एंड ये जो सीन सिक्वल इसमें दिखाया गया है मंदिर वाला, हो सकता है मूवी में ये वो वाला पार्ट हो जहां से कहानी पूरी टर्न होने वाली है। मतलब अपने पुष्पा भाव एक बार के लिए हार खाने वाले होंगे, लेकिन यहां से पूरा टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये जो नया कैरेक्टर यहां पर देखने को मिलना है। खैर भाई बहुत अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि क्या मतलब इसकी जरूरत भी क्या थी, ये भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पता है तो नीचे जरूर बता के जाना कि यही वाला लुक क्यों भाई, मतलब इसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसी के इंट्रोडक्शन के बेस पर क्यों मूवी को आगे बूस्ट करा जा रहा है, क्यों स्टोरी को बूस्ट करा जा रहा है, इतना आइडिया नहीं लग रहा। लेकिन भाई टीजर दमदार है, 1 मिनट 8 सेकंड का कुछ टीजर है, और जिस हिसाब से इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है और जिस हिसाब से प्रॉमिस ये करके गया है, क्योंकि अभी आने वाला है अभी सेकंड मतलब ट्रेलर ही निकालेंगे, देन उसके बाद एक फाइनल ट्रेलर आएगा, तो ठीक है ये जो चाल चली जा रही है कि थोड़ा थोड़ा निकाला जाए, क्योंकि अगर आप टीजर में ही बहुत कुछ दिखा दोगे तो ट्रेलर में आपके पास दिखाने के लिए क्या बचेगा, देन उसके बाद फाइनल ट्रेलर तक पहुँचते पहुँचते तो आप बहुत कुछ दिखा ही डालोगे, तो मूवी में दिखाने के लिए क्या बचेगा। तो ये चाल जो मेकर्स की तरफ से फाइन चली जा रही है। तो भाई किस किसने ये टीजर देख लिया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपको कैसा लगा ये टीजर, देन उसके बाद भाई मूवी के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्साइटमेंट जरूर शेयर करके जाना। बाकी इस लुक का क्या पीछे क्या कारण हो सकता है, व्हाट इज द मेन रूट कॉज बिहाइंड दिस लुक, बिहाइंड दिस कैरेक्टर, जरूर बता के जाना अगर आपको कुछ इसके बारे में और भी ज्यादा पता है तो। फिलहाल ये लुक दमदार लगा, और अल्लू अर्जुन से बेहतर और कोई कर भी नहीं सकता है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो पर।